हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो आज मैं आपके सोडियम के सारे क्रैश फिक्स कर दूंगा। लिटरली गाइस, इंटरनेट पे इतने सारे वीडियो है ना सोडियम के क्रैश पर, तो सोचा मैं भी एक वीडियो बना दूं। एंड हाँ, जो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उससे आपके 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो ये सब्सक्राइब और लाइक का बटन आपके लिए है, जो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको पंजाब लॉन्चर में चले जाना है, एंड वहाँ पर एक इंस्टॉल जार का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। एंड फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है सोडियम पैचर। हाँ, मैंने बस सोडियम सर्च किया, मेरा सोडियम सर्च करने पर भी आ जाएगा। सोडियम पैचर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड कई लोग बस सोडियम एक्स्ट्रा पैच कर ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में स्टार्ट कर देते हैं, एंड उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको नॉर्मल सोडियम भी पैच करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। फोर्स पैचिंग पे क्लिक कर दोनों सोडियम को पैच कर लें। एंड कई लोगों का बीच में क्रैश कर जाता है जब गेम चल रहा होता है, तो ऐसा इसलिए होता है जिनका रैम कम होता है फ़ोन में और कम मतलब बचा हुआ होता है, उससे वो ज़्यादा एलोकेट कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कम एलोकेट करना है जिससे बैकग्राउंड में ऐप रन कर पाए और आपका गेम अच्छे से चले, नहीं तो आपका गेम क्रैश करते रहेगा। तो चलो अभी हम प्ले पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। चलो अभी इसको स्टार्ट होने देते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं गेम में। एंड अगर आप 1.16 में सोडियम चला रहे हो तो आपको मैं सेटिंग बताता हूँ, उससे आपका क्रैश वो मतलब वर्ल्ड में जाते क्रैश नहीं करेगा। एंड बाकी लोग अगर 1.18 और 1.19 में चला रहे हैं वो ये सेटिंग नहीं करना। तो चलो अभी मैं वो आपको सेटिंग बता देता हूँ। तो वो जो सेटिंग है, सबसे पहले आपको सेटिंग वीडियो सेटिंग पे क्लिक कर देना है। एंड बाद में आपको जाना है एडवांस्ड में। एडवांस्ड में आपको जो रेंडरर होगा उसको आपको ओपन जीएल 3.0 वाला सिलेक्ट करना है, 2. वाला नहीं मत करना, नहीं तो क्रैश कर जाएगा। एंड नीचे जो भी वो सब होगा उसको बंद कर देना है। एंड बस आपकी ये सेटिंग होगी। अभी आपको वर्ल्ड को स्टार्ट कर देना है। तो चलो अभी हम वर्ल्ड को स्टार्ट कर देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। एंड तो देखो हमारा वर्ल्ड अच्छे से प्ले हो चुका है, एंड हमारे FPS भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, एंड इससे आप सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर कोई दूसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे DC सर्वर में आ जाओ, मैं वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ, मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।